कोरोना वायरस की दहशत के बीच जिला ऊना के लाल सिंगी में 30 से ज्यादा झुग्गियों में आग भड़क गई। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अग्निकांड में झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। गरीब परिवारों के सिर से छत का साया उठ गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, जिससे आग पर काबू पाया गया है। यहां अन्य राज्यों के सैकड़ों मजदूर रहते हैं, इनमें से 8 मवेशी भी जिंदा जल गए। अचानक इन झोंपड़ियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोग अपने बच्चों और जरूरी सामान को समेटने में लगे, लेकिन आग तेज होने के चलते लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं प्रवासी लोगों की माने तो आग कैसे लगी ये पता नहीं लग पाया है। इस अग्निकांड में उनके मवेशी भी जिंदा जल गए हैं, यहाँ तक कि खाने के राशन का सामान भी जलकर राख हो गया है। इसमें का लगभग कितनी कुलियां जल गई हैं? तकरीबन 30-32 जल गई होंगी। 30-32 जल गई। अच्छा, तो इसमें क्या ज्यादा मेन क्या नुकसान हुआ है आपका? मैन जैसे ये बकरियां जल गई, 36 झूल गया, कपड़े सारे जल गए। ये कितनी बकरियां हैं? ये 8 बच्चे थे। ये 8 बच्चे थे? अच्छा, ये 8 ही जल गए। हाँ जी, तो राशन मिला था कल वो भी जल गया लोगों का। जो कल राशन मिला था वो भी जल गया। वो भी जल गया। ठीक। मामला है जिसमें पुलिस थाना ऊना में लाल सिंगी नामक जगह पे, जहाँ पे प्रवासी मजदूर जो रहते हैं, वहाँ पे आगजनी की घटना हुई है। और सुबह तकरीबन 30-32 के आसपास जो झुंगियाँ जो है वो इसमें नष्ट हुई हैं आग के। और सेकेंड 7-8 जो पशु जो है वो उनको नुकसान पहुँचा है, उनकी भी डेथ हुई है। फायर ब्रिगेड जो है वो उसने आग बुझा दी है और पुलिस भी वहाँ मौके पे मौजूद है और प्रशासन ने इनको इंटरिम रिलीफ भी दिया है।